क्या आप सहरी या इफ्तारी के लिए महंगे इलाके में सस्ता खाना खाना चाहते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कराची के इलाके क्लिफ्टन में पिज्जा प्लस मौजूद है, जिसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका कहा जा सकता है। मुख्तलिफ फ्लेवर्स की पिज्जा हो या पिज्जा फ्राइज, हर आइटम में ब्रांडेड चीज और चिकन का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने इनका सुपर क्रीमी प्लस मलाई बोटी और चिकन फजीता पिज्जा ट्राई किया। तमाम फ्लेवर्स अच्छे थे, लेकिन सुपर क्रीमी प्लस सबसे ऊपर था, जिसे खाकर कहना ही पड़ा के मजा आ गया उस्ताद। वैसे इनकी पिज्जा फ्राइज भी काफी चीजी और हैवी थी, जो मुझे पसंद आई। पिज्जा प्लस मौजूद है क्लिफ्टन ब्लॉक 1 में हमजा चौक के पास क्लिफ्टन जिम के नीचे, जहां फिलहाल डाइन इन की सहूलत तो मौजूद नहीं, लेकिन आप टेक अवे या होम डिलीवरी ले सकते हैं। डिलीवरी की सहूलत क्लिफ्टन ब्लॉक 1-2 श्री जिना कॉलोनी और कीमाड़ी के लिए है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मोहम्मद फराज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। भाई इस वक्त मैं आपके लिए एक बड़ी ही ज़बरदस्त सी जगह आपके लिए डिस्कवर की है, क्लिफ्टन ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 या इसके आसपास के इलाके जो कि महंगे इलाके हैं। उन महंगे इलाकों में आप अगर सस्ता खाना खाने चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए है, पिज्ज़ा प्लस। यहाँ पर डाइनिंग की सहूलत तो मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ से आप टेक अवे कर सकते हैं, आप होम डिलीवरी करवा सकते हैं। डिलीवरी जो है वो क्लिफ्टन ब्लॉक 1-2 श्री जिना कॉलोनी और कीमाड़ी में होगी। यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इनके जो प्राइसेस वगैरह हैं वो काफ़ी कम है दीगर जगहों के मुकाबले में, और इनका अभी जो टेस्ट वगैरह है वो हम ट्राई करने जा रहे हैं। डील 1 में 299 रुपये में एक स्मॉल पिज्ज़ा कोल्ड ड्रिंक के साथ, डील 3 तकरीबन 600 रुपये में एक रेगुलर पिज्ज़ा कोल्ड ड्रिंक के साथ, 1199 रुपये में दो रेगुलर पिज्ज़ा दो कोल्ड ड्रिंक के साथ, 2699 में तीन लार्ज पिज्ज़ा। इस तरह के कुछ यहाँ पर डील हैं, आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो में डाल भी दूंगा। उसके अलावा इनके पास अगर आप पिज्जा के फ्लेवर्स वगैरह देखना चाहें तो ये फ्लेवर्स इनके पास मौजूद हैं, चिकन फजीता, चिकन क्रीमी फजीता, चिकन क्रीमी टिक्का, चिकन मलाई बोटी, पिज्जा फ्राइज भी यहाँ पर स्मॉल भी हैं और लार्ज भी हैं। चलते हैं देखते हैं कि भाई पिज्जा ये लोग बना किस तरह रहे और बनने के बाद उसका टेस्ट किस तरीके से आ रहा है। कीमत तो कम है, क्या क्वालिटी वगैरह पर कोई कॉम्प्रोमाइज किया गया है, क्या टेस्ट है या नहीं, ये सारी चीजें देखेंगे। अंदर चलते हैं इनकी किचन में, सारी चीजें देखते हैं, अब आएगा मजा। हमारे पास अभी क्या लगाए जा रहे हैं, तीन क्रीमी 1000 सॉस में जो है हम तीन रेगुलर पिज्जा जो है तैयार कर रहे हैं। तो सब पे ये 1000 क्रीमी सॉस आपका जाएगा, दो में ये जाएगा और एक में जो है वो हमारा रेड सॉस जो है पिज्जा प्लस स्पेशल सॉस है, तो उसमें जाएगा। ये हम फजीता तैयार कर रहे हैं, फजीता ठीक हो गया, स्पाइसी टाइप का ये होगा। जी, बिल्कुल, ये रेड जो होता है ये थोड़ा सा स्पाइसी होगा, तो फजीता जो है वो थोड़ा सा स्पाइसी होता है, और ये जो बाकी दो हैं ये नॉर्मल स्पाइसी होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। ये सबरोसो की चिकन है, ये डाली जा रही है, ब्रांडेड चीजें इस्तेमाल की जा रही है। जी बिल्कुल। इसके अलावा क्या ब्रांडेड होने वाला है हमारे पास? इसके बाद हम चीज की तरफ आते हैं, और वो भी हम ब्रांडेड यूज करते हैं, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी चिकन की टॉपिंग की जा रही है भाई। अच्छा, ये क्वांटिटी इसी तरह सबको मिलेगी या? एग्जैक्टली, क्वांटिटी आपको अच्छी मिलेगी हमारे पास। अच्छा, ये अलग फ्लेवर की चिकन है, ये भी सबरोसो है, ये मलाई, ये मलाई बोटी है, मलाई बोटी है। हाँ, ठीक है, हम आपको एक फ्लेवर जो है वो मलाई बोटी रेडी करके दिखा रहे हैं। तो ज्यादातर मलाई बोटी जो है वो नॉन स्पाइसी की कैटेगरी में फॉल करती है, और बच्चे जो है बहुत पसंद करते हैं स्पेशली। मीट डाला जा चुका है, सॉसेज लगा दिए गए हैं, अब बारी है चीज की। ये चीज कौन सा है? चीज जो है हम अच्छा ब्रांड यूज करते हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट चीज है फॉर पिज्जा। ये मोज़रेला चीज़ है, अच्छे ब्रांड का। आप देखिएगा जब ये रेडी होगा तो बेहतरीन जो है रिस्पॉन्स होता है इसका। असल में अच्छा, पिज्जा में जो सबसे अहम चीज़ है वो चीज़ ही है, अहम चीज़ जो है वो चीज़ ही है जी। इसलिए पिज्जा चीज ही होता है। यस, अगर चीज अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपका पिज्जा बहुत अच्छा होगा। बारी आ जाती है हमारे पास ऑलिव्स, ऑलिव्स ब्लैक ऑलिव्स, ऑलिव्स की बारी आ गई है। ऑलिव्स की बारी आ गई है। ऑलिव्स सब में जाएंगे ना? नहीं, सब में नहीं जाएंगे। बेसिकली फजीता में ऑलिव्स नहीं होते, लेकिन क्रीमी सुपर प्लस में होते हैं। जलापेनियो आ गए हैं, ऑलिव्स आ गए हैं, ये कैप्सिकम, कैप्सिकम ठीक है, ये कैप्सिकम आ चुकी है। अब मशरूम की टॉपिंग हो रही है। ठीक है, मशरूम्स की टॉपिंग हो रही है। मौसम अच्छा है और ज़ाहिर है मशरूम जो है वो काफ़ी कस्टमर्स पसंद करते हैं। सो ये हम जो फजीता का फ्लेवर तैयार कर रहे हैं, बेसिकली फजीता में जो है वो ऑनियन भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिनके लिए हम ये ऑर्डर तैयार कर रहे हैं उन्होंने मना किया है कि रात का टाइम है तो आप ऑनियन ना यूज़ करें। अच्छा, अब ऑलिव्स इसमें आ गए, इससे पहले कैप्सिकम आई थी ना? जी। अच्छा, ये रेडी है? बिल्कुल। इसके ऊपर किसी चीज़ की टॉपिंग नहीं आएगी? इसके ऊपर रिंग
बनेगा लास्ट में, मायो रिंग जिसे कहते हैं। ठीक है, अब लगाई जा रही है पिज्जा फ्राइज। यस, पिज्जा फ्राइज अभी जो हम तैयार कर रहे हैं ये लार्ज है, हमारे पास इससे स्मॉल साइज भी है। जो लार्ज हम दे रहे हैं वो 500 में दे रहे हैं और जो स्मॉल है वो 350 में दे रहे हैं। इसमें कोई फ्लेवर्स वगैरह होते हैं? इसमें बेसिकली तकरीबन सारी चीजें डाली जाती हैं। ये क्या डाला जा रहा है? सॉस है, हमारा स्पेशल सॉस है पिज्जा प्लस। अब ये डाली जा रही है चीज। यस, उसके बाद फिर से सॉस, स्पेशल सॉस, थोड़े से और फ्राइज, फिर से सॉस। ये बहुत ज़्यादा सॉसी होने वाली है, इसके ऊपर चिकन। चिकन की यही क्वांटिटी है ना, पक्की बात है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद चीज़ एक बार फिर। ओके, अब हम आएंगे बाकी चीज़ों की तरफ। ये जलेपेनियो। यस, जलेपेनियो आ गया, चीज़ आ गया, मीट आ गया, इनका क्रीमी स्पेशल सॉस आ गया, और अब आ रहे हैं ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स। फाइनली जो है कैप्सिकम। यस, कैप्सिकम। तो हमारे ये तीन रेगुलर पिज़्ज़ास और दो पिज़्ज़ा फ्राइज, एक लार्ज और एक स्मॉल ओवन में रखी जा रही है, 8 से 10 मिनट के लिए रखी जा रही है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पिज़्ज़ास और पिज़्ज़ा फ्राइज़ वगैरह ओवन से निकाली जा रही हैं और अब इनकी कटिंग वगैरह की जाएगी। ये पिज़्ज़ा फ्राइज़ हमारी आ गई हैं, स्पेशल सॉस डाला जा रहा है पिज़्ज़ा फ्राइज़ के ऊपर। ये पिज़्ज़ा फ्राइज़ हो गए हैं रेडी, तो ये पिज़्ज़ा की कटिंग की जा रही है। पिज़्ज़ा हो गया हमारा, अब मिलते हैं खाने पर। ओके, तो हमारे पास पिज़्ज़ा प्लस के तीन पिज़्ज़ास और पिज़्ज़ा फ्राइज़ आ चुकी हैं। ये अगर आप देखें तो ये है इनका क्रीमी प्लस पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा रेगुलर में है, और ये है हमारे पास मलाई बूटी पिज़्ज़ा। ये थोड़ा सा क्रीमी और थोड़ा सा जिन लोगों को स्पाइस पसंद नहीं होता उन लोगों के लिए पिज़्ज़ा होता है, और ये सबसे ज़्यादा स्पाइसी पिज़्ज़ा जिसका नाम है फजीदा पिज़्ज़ा। उसके साथ हमारे पास ये दो फ्राइज़ मौजूद हैं, असल में फ्राइज़ एक ही है, ये हमारे पास लार्ज और ये है हमारे पास स्मॉल। एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जो है डाइनिंग का फिलहाल कोई सेटअप नहीं है, आप टेक अवे कर सकते हैं यहाँ से, आप डिलीवरी वगैरह करवा सकते हैं, उसकी जो डिटेल है वो आपने जान ली है। तो अभी मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा इनके सुपर क्रीमी प्लस जो पिज्जा है। ओए होए होए होए, अच्छा एक चीज बताऊं, मैंने इसको भी उठाया है ना, उठाने से ही मुझे पता चला है कि ये इतना ज्यादा सॉफ्ट है, देखने में इतना नहीं लग रहा लेकिन उठाने में पता चला है कि ये ज्यादा क्रीमी होने वाला है। मैंने और भी जगह पिज़्ज़ास खाए हैं, बहुत सारी जगह खाए हैं, इससे भी सस्ते सस्ते खाए हैं, लेकिन जिस प्राइस में ये क्वालिटी मिल रही है ना, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। चीज़ बीज और इसके ऊपर जो मशरूम्स खास तौर पर डाले हैं उसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, और वैसे भी इसका जो सॉफ्टनेस है ना वो बता रही है, इसकी पिज़्ज़ा की क्वालिटी बता रही है। ये हमारे पास मलाई बोटी पिज़्ज़ा, हालांकि मैं स्पाइस लवर हूँ लेकिन मलाई बोटी वाला फ्लेवर मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ हूँ, मुझे मलाई बोटी वाला फ्लेवर ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन यहाँ पर अभी तक जो मैंने वो ट्राई किया इनका पहला सुपर प्लस जो इनका पिज़्ज़ा था, इससे बेहतर मुझे वो लगा। मलाई बोटी भी अच्छा है लेकिन उसके आगे फीका पड़ गया है, हालांकि मुझे वैसे जो है वो मलाई बोटी ज़्यादा पसंद आता है लेकिन इस बार मुझे वो पसंद आया। अभी लास्ट चीज़ हमारे पास मौजूद है पिज़्ज़ा फजीदा फ्लेवर, इसको भी ज़रा मैं ट्राई कर लेता हूँ। यह है फजीदा का लुक, वो लोग जो स्पाइसेस पसंद करते हैं स्पाइस लवर्स के लिए, यह है फजीदा पिज़्ज़ा। स्पाइसी है, चटनी टाइप का फ्लेवर आ रहा है। यहाँ पर पहले नंबर पर इनका सुपर जो क्रीमी प्लस वाला पिज़्ज़ा है वो, दूसरे नंबर पर फजीदा और तीसरे नंबर पर मलाई बोटी। यहाँ पर मेरे पास पिज़्ज़ा फ्राइज़ भी मौजूद हैं, मैं इनको भी ट्राई कर लेता हूँ। अच्छा, पिज़्ज़ा फ्राइज़ भी अगर आप देखें तो कितनी ज़्यादा क्रीमी, चीज़ पुल मुझे नज़र नहीं आ रहा, हालांकि अंदर मेरे सामने इन्होंने चीज़ डाला लेकिन चीज़ पुल पता नहीं क्यों नज़र नहीं आ रहा। नहीं भाई, चीज़ पुल नहीं है, लेकिन चीज़ मैंने डालते हुए देखा है, चीज़ इसमें डाला है, कहाँ है चीज़। पिज़्ज़ा फ्राइज़ बहुत अच्छी है लेकिन चीज़ से ज़्यादा मुझे सॉसी लगी है। मेरी एक बात समझ नहीं आ रही कि चीज़ पुल इसमें क्यों नज़र नहीं, एक बार और ट्राई करता हूँ, चीज़ पुल इसमें नज़र आना चाहिए, हालांकि अच्छा खासा चीज़ डाला है। अगर आप रमज़ान में इफ्तार के टाइम आना चाहते हैं, इफ्तार के टाइम है वो चीज़ है जो इफ्तार के टाइम भी और इफ्तार के बाद भी खाई जा सकती है, और इनकी टाइमिंग जो है 3 बजे से रात 3 बजे तक होगी रमज़ान में, तो आप इफ्तार के लिए भी ले सकते हैं, सहरी के लिए भी चाहे तो आप 3 बजे इनसे अवेल कर सकते हैं। और बिलावल हाउस चौरंगी से थोड़ा सा आगे जब हम जाते हैं किमाड़ी साइड पर, तो वहीं पर लेफ्ट हैंड पर आपको नजर आ जाएगा पिज़्ज़ा प्लस। एग्जैक्ट लोकेशन और एड्रेस मैं सारा नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, हो सका तो मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा। फिर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।